सोनिका एंड वेलकम टू स्टडी विद एनवी सर। हम जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जिसमें हम लोगों ने क्या देख लिया है, कुछ टॉपिक्स को देख लिया है, जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है और मोटी मोटा इंट्रोडक्शन जैसे कि विभव और विभवांतर क्या होते हैं, इन सब के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था, कि हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पिछला क्लास था वो क्या था, निरक्षीय स्थिति था। तो अक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है, किसी भी अक्ष पे, अक्ष का मतलब अगर कोई लाइन है और इसके ही सीध में या पैरेलल हम कह सकते हैं, अगर किसी बिंदु पे हमको विभव या फिर तीव्रता का मान निकालना हो, मान किसका निकालना है ये मैटर नहीं करता, हम सिर्फ अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा अक्षीय स्थिति। और जब भी किसी द्विध्रुव के या फिर जहां से भी हमको निकालना है विभव या तीव्रता का मान, उसके लंबवत किसी बिंदु की बात की करते हैं हम लोग, तो वो जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति की हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो आज हम लोग करेंगे जाहिर सी बात है अक्षीय स्थिति, क्योंकि दो ही कंडीशन होते हैं। तीव्रता में भी यही था कि किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता कितनी होती है और निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता कितनी होती है। तो खैर ये तो तीव्रता वाला था, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विभव पढ़ रहे हैं। तो हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान देख चुके हैं, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हम आगे कर देते हैं, जो हमारा है क्या, अक्षीय स्थिति है, ठीक, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के कारण क्या निकालना है हमको, विद्युत विभव निकालना है, और वो अक्षीय स्थिति बनेगा किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, कि अगर दो आवेशों को हम लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखते हैं, ये हो गए हमारे दो आवेश। अब ये दो आवेश परिमाण में तो समान होंगे, लेकिन इनके चिन्ह तो विपरीत ही होंगे, तो एक हमने माइनस क्यू कर दिया और एक हमने कर दिया प्लस क्यू। ये बन गया हमारा क्या, एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। इस विद्युत द्विध्रुव का एक हमने केंद्र बिंदु बना लिया, जिसको हम लोग ओ नाम दे दिए। इस विद्युत द्विध्रुव को बेनाम अच्छा रखना अच्छी बात नहीं है, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, ठीक है। अच्छे से पता है कि जो ए और बी के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग टू एल कहते हैं, जो कि फिक्स है, यानी कि ये जो दूरी है वो टू एल है, टू एल। अगर पूरी दूरी टू एल है तो मध्य बिंदु से आधी दूरी एल और ये भी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये हमारा बना अभी तक क्या, सिर्फ विद्युत द्विध्रुव बना। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस, ये थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि इसके केंद्र बिंदु से, यानी कि द्विध्रुव के केंद्र से हम लोग आर दूरी पे कोई बिंदु ले लेते हैं पी, यानी कि यहां पे हमने ले लिया कोई बिंदु पी, ठीक है। ये दूरी कितनी है, आर है, यानी कि इस द्विध्रुव से आर दूरी पे कोई बिंदु पी स्थित है, जहां पे हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इसी के लिए हम लोग डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, ठीक। अब इसके बाद में हमको इस फिगर को बनाने के बाद में लिखना क्या है, लिखना ये है कि माना ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है, जिसका एक सिरा प्लस क्यू और एक सिरा क्या है, माइनस क्यू है। इस द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l है, इस द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी 2l है, तथा इसका केंद्र बिंदु O है। इस द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे हमको विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। इतना लिखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद आइए देखते हैं क्या करते हैं। एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव का मान निकालेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। विभव का फॉर्मूला हमने पहले ही डेराइव कर लिया है कि वी इक्वल टू होता है 1/4πε0Q/r, और ये r क्या होता है, दूरी होता है। तो यहां पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी वन हम मान लेते हैं, या फिर प्लस क्यू के कारण बी वन मान लेते हैं। तो बी वन बराबर कितना हो जाएगा, 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे आर क्या लेंगे हम लोग, प्लस क्यू से देखें, प्लस क्यू कहाँ पे, बिंदु बी से है, और तीव्रता हमको कहाँ पे निकालनी है, पी से। इसका मतलब हमको दूरी कितनी चलनी है, बी से पी तक, यानी यहाँ पे जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बीपी का मान कितना होगा। ठीक है, बीपी बराबर, देखिए अगर हमको बी से पी तक चलना है तो हम पहले ओ से बी तक चल रहे, ओ से बी तक चलने में हम कितना चले हैं, एल चले हैं, एल चले हैं, पहले ओ से हम पी तक चल रहे, यानी कि ओ पी, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को हम लोग क्या करें, निकाल दें, माइनस ओ बी कर दें, इस पूरी दूरी में से ये दूरी को निकालेंगे तो देखिए इतना बच रहा है, तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा, ओपी माइनस ओबी। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओ से पी तक की वैल्यू आर है, और ओ से जो बी तक की वैल्यू है वो एल है, यानी कि हमारा जो बीपी का मान निकल के आया वो आर माइनस एल आया। अब इसको हम लोग इसमें रख देंगे, वी वन बराबर हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान हो जाएगा आर माइनस एल। ठीक, ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण क्या आता है, बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान आता है। अब सेम यही चीज देखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव। ठीक है, अब यहां पे भी वही चीज होगा, क्या होगा, वी टू, इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, वी टू कर लेते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब इस बार जो आर है वो हमको माइनस क्यू से देखना, माइनस क्यू कहाँ पे, ए पे है, तो इसका मतलब हमको कहाँ से जाना, ए से पी तक जाना है, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, ए पी होगी। अब फिर से वही बात आए कि ए पी का मान हम रखेंगे कितना, ए पी तो नहीं कह सकते हैं, तो ए से हम डायरेक्ट पी तक जाने के लिए क्या करें, पहले ए से ओ तक चलते हैं फिर ओ से पी तक चलते हैं, क्योंकि हमको दूरी ए से ओ तक पता है, तो ए ओ हम कर देंगे, फिर हमको ओ से पी तक की दूरी पता है, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, ए ओ का मान कितना है, एल है, और ओ पी का मान कितना है, ये देखिए ओ पी आर है, यानी कि ए पी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, एल प्लस आर आ गया। अगर हम लोग ये दो मान निकाल लेते हैं तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, V2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, AP का मतलब L प्लस R। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं परिणामी विभव, यानी कि कुल विभव, जो परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर होगा। लेकिन एक चीज, यहाँ पे जब हम माइनस क्यू के कारण विभव देखेंगे तो ये तीव्रता नहीं है कि यहाँ पे चिन्ह को काउंट नहीं करेंगे, हमने जब ये वाला डेरिवेशन बताया था तो बताया था कि ये प्लस क्यू के कारण, जब हमने इसको माइनस क्यू की बात किया था तो कहा था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो जब हमने यहाँ दूसरी कंडीशन लिया माइनस क्यू के कारण विभव, तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वी बराबर अगर हम वी वन प्लस वी टू करते हैं तो क्या होता है, तो V बराबर V1 का मान कितना है, ए ये रहा भी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। ठीक है, ये हो गया V1 का मान, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, V2 का मान कितना है, ये रहा V2 का मान। अब यहां पे अगर माइनस देखिएगा, माइनस का मतलब खतरा, और खतरे के लिए हमको क्या लगाना है, एक बाउंड्री। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना हो जाएगा, L प्लस R, L प्लस R को हम लोग R प्लस L भी कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं ये, R माइनस L है तो इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं R प्लस L। ठीक है, दोनों दो जैसे अच्छे नहीं लग रहे, बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो गया, R माइनस L। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। अब एक चीज दिख रहा होगा कि ऊपर से क्यू और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो करेंगे क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को ले लिया हमने कॉमन, तो इसमें से ऊपर क्यू खत्म हो गया तो बचा कितना, एक बचा है। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 खत्म हो गया तो बचा कितना है, आर माइनस एल बचा है। माइनस है तो माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, उसको तो हमें रखना ही है। अब ऊपर से क्यू खत्म हो गया तो एक बचा है, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 खत्म हो गया तो क्या बचा, आर प्लस एल बचा है। ठीक है, अब ये क्या है, दो भिन्न फॉर्म है, भिन्न भिन्न को हल करने का यही तरीका होता है, तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और नीचे फिर आपस में दोनों का गुणा, वही करेंगे हम भी। तो क्यू बटे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका गुणा जो ही यहाँ करेंगे तो यहाँ एक है, और एक क्या करता है, मिल जाता है, जिसके भी साथ जाता है मिल जाता है, यानी कि जिसका भी गुणा हम एक में करेंगे वो हमें वही वैल्यू मिलेगी, यानी कि आर प्लस एल मिलेगी। बीच में माइनस है, माइनस, इसका गुणा एक में करेंगे तो फिर से वही बात, यानी कि जो है वही मिलेगा हमको, आर माइनस एल मिलेगा। नीचे आपस में दोनों का हम कर देंगे गुणा, यानी कि आर माइनस एल और इंटू क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। अब आती है बात क्या, क्यू ब्रैकेट को खोलने की, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको करते हैं आर प्लस एल। अब इस गेट की जरूरत हमें नहीं है, हमें तो अब आगे बढ़ना है, तो इसके आगे जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और प्लस का गुणा जो ही माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और बचा क्या आर, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा और एल, ये बन रहा हमारा एक। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये भी तो ए हुआ और ये भी तो बी हुआ, तो बना क्या हमारा, यही तो सर्वसमिका बना क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है कितनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए मतलब आर, तो ए स्क्वायर, और माइनस बी मतलब एल, हो जाएगा एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, अलग अलग जाति के दिख रहे हैं भाई, एक धनी है और एक क्या है, गरीब है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बराबर क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एल और ये एल दोनों समान जाति के हैं, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, एल और एल मिलके क्या बनाएगा, 2L बना देगा, बटे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, अब देखिए ये हमारा क्या बन के आया, इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू के साथ हम क्या लिख देते हैं, 2L को लिख देते हैं, और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि यदि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब जो आर दूरी है वो एल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा है तो ये जो हो जाएगा वो यल इसके मुकाबले कितना हो जाएगा, नगण्य, यानी कि शून्य हो जाएगा। भाई अगर ये बहुत बड़ा है तो ये उसके सामने क्या है, एक सूक्ष्म बन जाएगा, जिसको हम शून्य कह लेंगे। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हम सबको पता है कि क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, क्यू इंटू 2L, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पी कह लेते हैं, और बटे आर स्क्वायर तो हो गया है, और एल की वैल्यू हो गई है 0। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा वी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर। यही था हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, जिसका मान कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, फर्राटेदार लेते हैं, ये हमने कोई ले लिया विद्युत द्विध्रुव ले लिया, जिसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L, यानी कि L, L, L और L हो जाएगी। यहां से हमने R दूरी पे ले लिया कोई बिंदु P, जहां पे हमको क्या निकालनी है, विद्युत विभव की मान निकालनी है। अब A, ये एक सिरा प्लस Q होगा और एक सिरा माइनस Q होगा। हम सबको पता है कि ये दूरी अगर R है तो सिर्फ इसको हम ए अगर बना लें, इसको बी, मतलब ठीक है, फिगर में हमने इसको बी बनाया था और इसको ए बनाया था, तो ऐसे ही कर लेते हैं।
तो हमको पता है कि यहाँ पे अगर हमने बीपी का मान निकालना है तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा इस पूरी दूरी में से, इस पूरी दूरी कितनी है, ओपी है, और इसमें से हम लोग क्या करें इसको निकाल दें, यानी कि ओबी को निकाल दें, ओपी मतलब आर, ओबी मतलब एल, तो बचेगा क्या, सिर्फ यही तो बचेगा, इस पूरे में से अगर हमने इतना काट के अलग कर दिया तो बचा क्या, यही इतना तो बचा, वो कर लिया। दूसरी कंडीशन हमारी, अगर ए से हमको पी तक जाना है तो अब इस बार क्या करेंगे, पहले हम इतना कदम चलेंगे यानी कि एल, फिर इतना और चल लेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, इतना मतलब ये इतना एल प्लस आर प्लस क्यू के कारण जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर हो जाएगा, तो वो आर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। माइनस क्यू के कारण जो होगा क्यू अपॉन आर वो ये हो जाएगा, लेकिन वहां पे अगर माइनस की बात है तो विभव में हमारा चिन्ह भी जुड़ता है, यानी कि हम उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। जो परिणामी विभव होगा वो V1 + V2 होगा, यानी कि दोनों के योग के बराबर होगा, लेकिन उनको हम लोग बीजगणित के नियम से जोड़ेंगे, यानी कि चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। तो चिन्हों के साथ जोड़ने के कारण ही क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो अगर बीच में माइनस आया Q/4 पाई एप्सिलॉन, और दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको हम लोग कर लेंगे बाहर, 1/r - l और 1/r + l यहाँ पे बचा है। अब ये क्या है, एक भिन्न रूप है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इसका आपस में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि r + l का गुणा यहाँ और बीच में माइनस, और इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, और नीचे आपस में दोनों के गुणे हो जाएंगे, जो कि एक सर्वसमिका बनेगा a+b और a-b, जिसका मान होता है a²-b²। अब अगर r + l यहाँ पे है, ये माइनस चिन्ह है, तो आगे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी कि जो भी प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि ये जो r हो गया वो माइनस, और l माइनस था तो l हो गया प्लस। अब ये r और ये r अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी अलग अलग जाति के हैं, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, r से r कटा, बचा l, और l को हमने जोड़ के 2l कर लिया। अब l जो है वो r के मुकाबले बहुत छोटा है, यानी कि बात तो वही है कि अगर हम ये कह लें कि r जो है वो l के मुकाबले बहुत बड़ा है, या ये कह लें कि l जो है वो r के मुकाबले बहुत छोटा है, तो l की जो वैल्यू होगी वो r के कंपेयर में बहुत ही कम होगी, यानी जिसको हम नगण्य कह लेंगे। तो l की वैल्यू यहाँ से शून्य हो जाएगी। तो अगर l की वैल्यू यहाँ पे शून्य होगी तो सिर्फ r बचा, तो इसलिए निकल के क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो बना Q × 2L, हमने यहाँ पे बताया है कि अगर विद्युत द्विध्रुव है उसमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी, बीच की अल्प दूरी कितनी होती है 2L, दोनों का जो गुणनफल है वो क्या हमारा कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है पी। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r². तो ये था हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान, यानी कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।